दीदी आपको इनवाइट करने आया हूं, 7 दिन में मेरी शादी है आपके लड्डू से। आप लोगों को अब भी गुंजाइश लगती है कि सब ठीक हो जाएगा? अगर मैं और महक ये शहर छोड़कर दूर नहीं चले गए, ये कार्ड सच्चाई बन जाएगा और हम सब तमाशा। प्यार एक रूहानी ताकत है जो लोगों को बदल देती है। जब शौर्य ने अपने प्यार को साबित करने की कोशिश की तो मेरे दिल के सिवा किसी को यकीन ही नहीं हुआ। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख के कांता चाची की बात मान ली। मैं शौर्य से दूर जाने को तैयार हो गई थी। जिस प्यार को मैं पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी, वो प्यार मुझे ढूंढता हुआ मेरे पीछे आ रहा था। खाना बनाने का हुनर महक को अपनी माँ से तो मिला है। जब भी महक की माँ कोई नई रेसिपी निकालती ना, तो इसमें लिख लेती कि सक्सेस का असली श्रेय जाता है महक शर्मा को, उनकी स्वर्गीय माँ मीरा शर्मा को। आज के बाद दिल्ली चे की ये गली मीरा शर्मा मार्ग के नाम से जानी जाएगी। महक के प्यार ने मुझे बदल दिया था, लेकिन कोई भला ये क्यों मानेगा कि अब मैं महक से सच में प्यार करता। मैंने जो कुछ किया था इसके पहले, मैं तो माफी के भी काबिल नहीं था। प्यार तो दूर की बात है। नमक मसाला तो सब ठीक है, लेकिन आंसू कुछ ज्यादा हो गए। शायद खाना बनाते हुए अब रो रही थी, राइट? लेकिन पहली बार सच्चे दिल से कुछ मांगा था, और तब पता चला कि प्यार एक जज्बा है जो पत्थर को पानी पर तैरने के लिए मजबूर कर दे। तुम मुझसे शादी करोगी? Will you marry me, Mehak? अच्छा पुत्र, ख्याल रखिए अपना। चलिए। शौर्या, आज के बाद महक को तंग नहीं करना। चलता हूं। गाड़ी को क्या हो गया? देखिए, तुम रुको, मैं चेक करता हूँ। मैं भी चल रही हूँ। तुम पागल हो क्या? जंगल के रास्ते से आना जरूरी था, हाईवे से आ जाते। एक गाड़ी भी ना तुम्हारी कांता चाची से हरकतें करने लगी है। भाई, हमारी खुशी देखी नहीं गई इससे? तुम ऐसी बकवास करते रहोगे तो कांता चाची तुम्हें कभी कैसा ही पसंद करेगी। आसपास तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, फोन में भी सिग्नल नहीं है। शौर्य प्लीज छोड़ो मुझे। शौर्य प्लीज। देखो मौसम बहुत खराब है, हमें वहां चलना चाहिए। चले बड़ा।
चाहता है कितना तुझे, खुद मगर नहीं जान सका। शौर्या, महक, चाचा आप यहाँ? वो मुझे महक का फोन आया था, पर सिग्नल क्लियर नहीं था, तो मुझे लगा कि तुम दोनों किसी मुसीबत में हो। आ बेटा, आज चलते हैं, आ जाओ। हमने तुझको बहुत चोट पहुंचाई है, माफ कर दे पुत्र। प्लीज चाचू, गलतियां हम सबसे हुई हैं, आप लोगों से तो फिर भी बहुत कम हुई है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। खुश रहे। दादाजी भी मान गए। हाँ, पता है, दीवार पे साफ साफ लिखा है कि तेरे साथ संख्या है और मैं बिल्कुल अकेली। तू जितनी साधारण है ना, शौर्य उतना ही सनकी। जानती है मैं इस रिश्ते के इतना खिलाफ क्यों? क्योंकि मुझे शौर्य के सनकीपन से डर लगता है। आज उस पे तुझसे प्यार का भूत सवार है, ढूंढते ढूंढते आगरा पहुंच गया कि जिस दिन ये भूत उतरेगा ना, वो एक बार फिर तुझे अपने घर से, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। मैं हर तरफ से कोशिश करके हार गई, लेकिन खांता चाची को नहीं समझा पाई कि शौर्य मुझसे सच में प्यार करता है। लेकिन ये बात मेरे सिवा और कोई समझ भी कैसे सकता था, क्योंकि दिल तो सिर्फ हमारे जुड़े थे। मैं क्या कर सकता हूँ आपका भरोसा जीतने के लिए? चाची, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि महक मेरे लिए मुझसे बढ़कर है? चाची, अगर ऐसा है तो मैं चाहती हूं कि तुम अपनी सारी कमाई, सारी प्रॉपर्टी महक के नाम कर दो, अपना घर, अपना रेस्टोरेंट, सारा बैंक बैलेंस सब महक के नाम। अपने नाम पर सिर्फ 10 जोड़ी कपड़े छोड़कर सब कुछ महक के नाम। और मेरा दिल कहता था कि अगर मेरा प्यार सच्चा है तो महक मेरी होगी। कांता चाची खुशी खुशी उसकी डोली मेरे साथ भेजेंगी। चाची, मैं बस महक से प्यार करना चाहता हूं, और मुझे बस अब उसकी खुशी सोचनी है, और उसकी खुशी आप हैं चाची, और आपकी खुशी महक का फ्यूचर। शौर्य, रुक, चैन नहीं है तुझे? 2 मिनट अकेले में अपने दामाद से बात नहीं कर सकती? पर बात क्या करनी चाची? आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी, थैंक यू। तो मुझे भी खुश कर दो ना। मतलब? आज शाम को रेस्टोरेंट में मैंने छोटी सी पार्टी रखी है, एक ड्रेस भिजवा रहा हूं, बस वो पहन के आ जाना। उस वक्त मुझे लगा पता नहीं शौर्य ने क्या जादू चलाया,
वो कांदा चाची जो उसके अच्छाइयों में भी कोई छुपी हुई बुराई ढूंढ लेती थी, आज उनकी आंखों में शौर्य के लिए इज्जत थी, प्यार था। जब किसी को जीतना हो तो सब कुछ हार जाओ। मैंने भी वही किया, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करके। करुणा जी और शौर्य भी आ गए, चलो सब लोग चलो। मोहित काके छोड़ दे इसको, चल तू भी साथ में चल। अरे गोविंद संभाल लेगा। अब आप कैसी हैं? जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने पहले भी मना किया था ना कि हमारे आसपास मत दिखा करो, तुम्हें जो चाहिए वो फोन करके मांग लो हमेशा की तरह, मगर दिल्ली में दिखना भी मत, और खासकर अब जब मेरे शौर्य की शादी होने वाली है तब तो बिल्कुल भी नहीं। अब उस बीते हुए कल का साया दोबारा मेरे बेटे की जिंदगी पर नहीं पड़ना चाहिए, वो नई जिंदगी शुरू कर रहा है अपनी। तो आज स्पेशल ओकेजन पर मैंने कुछ स्पेशल अरेंज किया है। महक प्लीज कम जॉइन मी। शौर्य ये सब क्या है? पर्दा उठाओ, सब पता चल जाएगा। यह मीरा शर्मा, महक की मां। ये महक की मां है? जी, और हमारी बड़ी भाभी। महक की सारी रेसिपी इनकी ही है। ये एक कॉफी टेबल बुक है, मीरा शर्मा की सारी स्पेशल रेसिपीज इस बुक में हैं। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर घर में, हर किचन में, हर एक खाने के शौकीन को मीरा शर्मा के बारे में पता चले। हे भगवान, ये क्या खेल खेल रहे? ओए सुन, तेरे मिस्टर का इंटरव्यू छपा है इसमें, शौर्य का इंटरव्यू। शौर्य के बारे में ऐसा कुछ नहीं छपा होगा जो मुझे ना पता। अच्छा बच्चू, इतना कॉन्फिडेंस, तू बता आज क्या है? आज क्या है मतलब? मेंटल केस, आज तेरे सैया का हैप्पी बर्थडे है, ये देख। क्या सारा प्लान सेट हो गया है? मैं शौर्य को शॉपिंग पे ले जाऊंगी और 8:30 बजे तक उसे घर ले आऊंगी। तुम सारी पार्टी की अरेंजमेंट करके रखना। किसके कहने पे किया? एक्चुअली बात यह है कि शौर्य अपना जन्मदिन नहीं मनाता। आज ही के दिन उसकी असली मां की मौत हुई थी। शौर्य आई एम सॉरी,
मुझे नहीं पता था कि आज शौर, मुझे माफ कर दो। हम में से कोई भी होट नहीं करना चाहता था तुम्हें। मुझसे गलती हो गई शौर, लेकिन प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। महक, आज का दिन मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता। आज मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। Once again, thank you. Okay. ये मॉम इतनी रात को कैब में कहाँ जा रही है? क्या हुआ शौर? What the hell? आज सुबह से मॉम गायब थी। मैं चलो। शौर, हमें इस तरह माँ का पीछा नहीं करना चाहिए ना? मैं चलो गाड़ी में बैठो, चलो। सॉरी से काम नहीं चलेगा, मुझे जवाब चाहिए। इतने सालों तक जब आपने मुझसे झूठ बोला ना, उसका जवाब। शौर्य, मां को अपनी बात कहने का मौका तो दो। महक, इनके वुंड्स की ड्रेसिंग के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा मुझसे छुपा के रखा, क्यों किया आपने ऐसा? हाँ, क्यों किया आपने ऐसा मॉम? बेटा, हर बात समझाना इतना आसान नहीं होता है। मैं तुझे बताना चाहती थी, लेकिन लेकिन क्या? मुझे बताना जरूरी नहीं समझा आपने, है ना? इतनी इतनी सेल्फिश हो गई आप। शौर्य, गुस्से में आके कुछ भी बोलोगी क्या? मां, मां चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखती है, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे कोई दर्द या कोई डर छुपा है। कुछ तो है जो माँ को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। शौर्य के घर वापस आने से पहले आप यहाँ से चली जाए। बहुत देख लिया मैंने आपका ड्रामा। आपने जब जब जितने जितने पैसे मांगे मैंने आपको दिए ना? आप यहां से चुपचाप चली जाइए। मैं नहीं चाहती कि शौर्य के अतीत के बारे में किसी को भी कुछ भी पता चले। देखो बिटिया, सोच समझ के हमारे सामने मुंह खोलियो। अगर हमारा मुंह खुल गयो ना, तो तुम्हारो घर भूसे के ढेर जैसे जल उठेगो। सौरे लल्ला हमारो सगो नाती है, लेकिन हमें मोह सबसे ज्यादा
अपने से है। बेटा तू ये पेपर्स वापस ले जा। नहीं चाची। सुन, तू अपना पैसा प्रॉपर्टी सब वापस अपने नाम लिखवा ले। चाची। मेरे सर पे इतना भारी बोझ लेकर मैं तो चैन से सो भी नहीं पाती हूँ। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पे बहुत शक किया। चाची। अगर उसे पता चला कि मैंने तुझे बोलकर प्रॉपर्टी उसके नाम करवाई है, मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेगी। चाची नहीं होगा। मुझे तुम्हारे पैसे, दौलत, शोहरत या प्रॉपर्टी नहीं चाहिए शौर्य। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। और प्यार शर्तों से नहीं जीता जाता शौर्य। यही सिखाया है ना अपने चाची मुझे। बेटा, I'm sorry। महक, चाची ने ये सब तुम्हारे प्यार में किया। मुझे परखना ना उनके लिए जरूरी था। मेरी गलती की सजा तुम चाची को क्यों दे रही हो? नाराज होना तो मुझसे हो, चाची से नहीं। तो तुम किस बात की सजा अपनी माँ को दे रहे हो? जानती हूं कि जो मेरी चाची करेंगी मेरे लिए वो मेरी भलाई के लिए करेंगी। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए था। शौर्य कितनी ही बार तुम्हारी गलतियों पे तुम्हारी माँ ने तुम्हें माफ किया है। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए था। कितनी बार अपने दिल पर पत्थर रख के कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे तुम्हें खुशी मिले। शौर्य गलतियां सब करते हैं, मैंने भी की है, तुमने भी की है, लेकिन तुम्हें उन्हें माफ करना आना चाहिए। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा था। शौर्य से शादी का जो सपना मैंने देखा था वो सच होने वाला था। और इसी मौके पर शौर्य की नानी का इतने सालों बाद वापस मिलना, ऐसा लगा जैसे भगवान ने जो ढेरों इम्तिहान के साथ लिए थे ना। ये कैसे हो सकता है सब उस महक के नाम? हाँ कटकनी बिल्ली, सब कुछ महक के नाम हो गया। ये शर्मा बेशर्मा परिवार सब कुछ ले उड़े। अब तू हमारे साथ मथुरा चलकर भीख मांगने की तैयारी कर। सीता समधन, घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। हो दो Ahem.
ये क्या किया अपने नानी के साथ? निकल जाइए मेरे घर से बाहर और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, और अगली बार जब आप सांस लेंगे ना तो उसको अपनी आखिरी सांस समझना। जी कैसी बात कह दी करुणा, अरे हमारे तुम्हारे बीच ये लाख दो लाख की बात कहां से आ गई? खुद तुम लाखों करोड़ों में खेलो और मैं कौड़ियां बटोरूं, ये कहां का इंसाफ है? तो बोलो, मुंह खोलो, कितने चाहिए तुम्हें? हमें चाहिए 7 करोड़। मैं तुम्हारे लिए 7 नहीं 10 करोड़ का इंतजाम करूंगी, लेकिन उसके बाद तुम हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। मुझे भी वो राज पता है जिसके दम पे तू उस घर में ऐश फरमा रही है, और अगर शौर्य को मैंने सच बता दिया ना तो तेरा भी पैकअप कर देगा वो, तुझ पे भी रहम नहीं करेगा। तू याद रख, 2 दिन के अंदर मुझे इस घर में वापस ला। कैसी है? अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ किसी काम से, नानी ने किसी पंडित को बुलाया, कुछ वहम सहम हो गया उनको। पंडित? सर्वदोष। What nonsense? क्या बकवास है? अगर कुंडलियों को मानता ना तो मेरी और महक की शादी कभी ना हो रही होती। लल्ला, तू मान चाहे ना मान, लेकिन हमारे शांति के लिए, हमारे मन की शांति के लिए पंडित जी जैसे कहें वैसे कर लो तुम उपाय। आहुति दीजिए, घी डालिए हवन कुंड में। ओम श्री मनमहागणाधिपतये नमः स्वाहा, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा, उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। प्लीज आके खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना मैं। महक, महक आके खोलो, महक, महक। देखा देखा, काम कर गया ना हमारा नुस्खा। हाँ बहुरिया, तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तो जीते ही जी मर जाते। ये मुआ सांप कहां से आ गए हो? नानी मैं ठीक हूं। हमारी बिनती है तुमसे लल्ला, मान जाओ, पूजा पाठ करवा लो। क्या पिछले दिनों में घर पे कुछ कलेश हुआ है? क्या जोड़े को किसी ने आप सब बोले हैं बुरा भला कहा है? जो कुछ भी है उसको हवन पूजा पाठ करके अपने घर के सारे मन मुटाव खत्म कीजिए। हाँ वो पंडित जी, वो श्वेता को गाली गलौज देके घर से बाहर निकाल दिया गया। अब 24 घंटे कोस रही होगी लल्ला और बहुरिया को, तो उसका बुरा असर तो पड़ेगा ना घर पे।
लल्ला ऐसा करो कि तुम श्वेता को वापस घर ले आओ। नहीं नानी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर मामी इस घर में दोबारा वापस आई तो कलेश कम नहीं होंगे बल्कि और बढ़ जाएंगे। ये जहर कुछ भी नहीं उस जहर के आगे जो मामी के दिल में बसा हुआ है। ये सब लोग हमारे अपने हैं ना, और कुछ चीजें अपने लिए नहीं अपनों के लिए भी करनी चाहिए। शौर्य आई नो मुश्किल है, लेकिन यही तो प्यार है। मैं एक औरत फिर से घर में आके तांडव मचाएगी, तुम देख लेना। शौर्य वो औरत तुम्हारे छोटे भाई की भी माँ है, प्लीज। अच्छा इसे मेरी शादी का तोहफा समझो, ठीक है? प्लीज मान जाओ। आपसे ज्यादा बात नहीं करनी मुझे, बस इतना कहना चाहता हूं कि मैंने आपको माफ नहीं किया है। मैं आपको इग्नोर करूंगा, और हां एक बात और, अब अगर कोई भी हरकत के पीछे आपका हाथ निकलाना, बिलीव मी किसी को भी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे आप। हे कन्हैया, जी का दिख रहे हो हमें जी आदमी? हमको भरम हो गयो है या फिर जी आदमी सच में यहां आ रहे हो है? हम लोग चाहते थे कि महक की शादी की जो रस्में हैं उसके माता पिता के सामने उनके आशीर्वाद से हो। इसीलिए फोटो यहां रखी है। नमस्ते नानी जी। मैं महक का छोटा चाचा रवि। महक का चाचा? आपसे पहले मुलाकात ही नहीं हो पाई। तो लल्ला की मोटर चली बम बम बम। अरे लल्ला और गाड़ी बढ़ा आगे, और दे और दे। अरे अब भी लो नानी। अरे नानी और दे चलो। अरे लल्ला चलानी चलानी, उड़ा दे गाड़ी। लो भी लो। अरे लल्ला रफ्तार की सुई 100 से पार कर दे। हाँ हाँ, सब वो नानी कहियो। और तेज बढ़ो नानी, अभी लो। तेज तरार नानी का तेज तरार नाती। भगा भगा और भगा। अरे लल्ला मार के। तुमको दुनिया की हर खुशी देना, यही तो मेरा सपना है महक। लेकिन तुम्हें कैसे बताता कि सब ठीक होने से पहले अभी और भी बहुत इम्तिहान बाकी हैं। ये खुशियां तो तूफान के पहले की शांति की तरह है। तुम ठीक तो हो ना? तुझे पता था ना, फिर भी तू उनका मंडप सजा रही है। जो घर तेरे बेटे ने उजाड़ा था वही उसका घर बसा रही हो। वाह यशोदा मैया वाह। अरे हम तो समझते थे कि हम सबसे बड़े चालबाज हैं, लेकिन तुम तो उससे बड़ी चालबाज निकली। अब सब ठीक है,
और अब मैं सब ठीक रखूंगा। और वो चीज जो तुमको अजीज है, इस हादसे का असली गुनहगार कौन है ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। मेरा शौर्य सिर्फ 14 साल का था उस समय, छोटा बच्चा। सही गलत तो क्या, उसे तो अपने भले बुरे का भी ज्ञान नहीं था। लेकिन आप तो बड़ी थी, समझदार थी। शौर्य नहीं, आप हैं असली गुनहगार उस हादसे की, समझी नानी? वाह, जो मन में आए बोले जा रही हो। लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ नहीं सकती। महक के माँ पिताजी जब कार के नीचे आके मरे तो स्टीयरिंग किसके हाथ में थी? लल्ला के हाथ में। सॉरी लल्ला तो जाएगा जेल में और हम सब भी बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए गलती अकेले मेरी की ना है। सुनिए, आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने महक और अपनी शादी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वेन्यू बुक किया है, द लील एम्बियंस गुरुग्राम। ये दिल्ली एनसीआर का वन ऑफ द टॉप मोस्ट 5-star होटल्स में से एक है। यू पानी की तरह पैसा बहाना बंद करो। हमारी शादी सिंपल सोबर होगी, ठीक है? अगर पैसा मेरा है ना तो जैसा मैं चाहता हूँ मुझे वैसा खर्च कर लेने दो प्लीज। वो पैसा तेरा नहीं, तेरे बाप का है। जो तुझे विरासत में मिला है ये सारी दौलत मेरी कमाई हुई। इन पर सिर्फ उन लोगों का हक है जिनको मैं अपना मानता हूं। और आपको अपना मानना तो दूर, मुझे आपको बाप बुलाने में घृणा आती है। बाप हूं तेरा। अगर यही थप्पड़ मैंने पहले लगाया होता आज तेरी जबान इतनी लंबी नहीं होती। मैं अपनी नई जिंदगी को किसी अपने के नाराजगी के साथ नहीं शुरू करना चाहती। प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो शौर्य ने मेरे नाम किए थे। मैं तुम्हें क्या? शौर्य, जिस तरह तुमने कांता चाची के विश्वास के लिए अपना सब कुछ मेरे नाम किया था ना, ठीक वैसे मैं पापा के आशीर्वाद के लिए ये सब कुछ उनके नाम लिख रही हूँ। ये क्या मजाक है? इसमें तो साफ साफ लिखा है कि शौर्य भी तुमसे ये प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकता। मैंने एक क्लॉज इन पेपर्स में डलवाया था ताकि कल को अगर महक इमोशनल होकर ये प्रॉपर्टी वापस करना चाहे ना, या किसी के नाम पे ट्रांसफर करना चाहे तो ना कर पाए। महक की डोली उठेगी लेकिन जाएगी सीधा शमशान और उसको मारने का शक जाएगा टीजा जी पर। अरे आफ्टर ऑल इतना बड़ा बखेड़ा जो किया है उन्होंने। Please.
महक को बहुत मिन्नतों के बाद दुनिया से लड़कर भगवान में भरोसा करना सीखकर मैंने पाया है। महक पर आने वाले हर खतरे के आगे मैं खड़ा रहूंगा। वैसे कांता जी, ये जगह वाकई कमाल की है। खूबसूरती के मामले में ये लीला होटल तो भगवान की लीला लगता है। चलिए आजो, चल भी चल। इसको मेहंदी के लिए लेके जाओ बेटा, नेहा सोना। मैं महक। बोलो, और कुछ बटोरना बाकी रह गया है? कोई कमी रह गई है क्या? हाँ रह गई है, आपकी कमी। अगर आप आ जाते तो सबको बहुत अच्छा लगता। पापा, थैंक यू पापा। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी फोन कॉल की वजह से आया हूँ। तुम लोगों से बढ़ के भी मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरी रेपुटेशन, मेरी इमेज, जिसके लिए मैंने बहुत कुछ सेक्रिफाइस कर रखा है। मेरा ना आना ब्रेकिंग न्यूज है, समझी? अरे करुणा, तुम्हें आके समझाओ लल्ला को। आओ हल्दी उल्दी लगाओ, आओ। हस हस हस। माँ मुझे सब नहीं करवाना। अभी तक तो सारे रीति रिवाज हंसी खुशी मना रहा था, अब क्या हो गया? आपको नहीं पता? सबके सामने बताऊं क्या? I'm sorry, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मुझे माफ कर दो। प्लीज हल्दी करवा लो। क्या हुआ लड्डू? पीजी में बस अभी आई। मैं क्या कर रही हूँ? बनी पतंग दिल भर, हल्दी हल्दी लगा रही हूँ। रजती नहीं दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, चाहे कितना भी देखते जाऊं, वक्त जाए मैं रोक ना पाऊं, तू थोड़ी। भारी है। कहीं सुचल खुद में चुनरी स्लिप ना हो जाए। नानी नहीं, जाओ मैं की चुनरी ठीक करूं। अरे कैसे जा? गो, अरे, पाने। आज ही महक अपनी चुनरी में दहक जाए तो कन्हैया जी के नाम का भोग करूंगी। हाँ ना जाने क्यों अंदर एक डर है, एक डर कि कहीं कोई तुमको मुझसे छीन ना ले। अब हवन कुंड चले और उसके साथ चले मुझे मेरा राजकुमार, मेरा प्रिंस चार्मिंग मिल गया है। आप लोग हमारी शादी में आएंगे ना?